हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल की कौन वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को करके दिखाने वाला हूँ चेन क्लीन और चेन लूप। तो यहाँ पर पे मेरे पास में है मोटूल के C1 और C2 चेन क्लीन एंड चेन लूप। तो ये रही हमारी बाइक, काफ़ी मतलब कि ज़्यादा पुरानी तो हुई नहीं है, लेकिन लगभग 1.5 महीना हो चुका है इस बाइक को। और जो चेन है उस पर हल्की हल्की रस्टिंग आई है, और जो कंपनी से लगी हुई आती है चेन के ऊपर लूप, वो पूरी तरीके से हट चुकी है। तो चलो मैं आपको क्लोजअप में दिखाता हूँ चेन किस तरीके से लूप करी जाती है और किस तरीके से क्लीन करी जाती है। तो अगर चेन की अभी हालत देखी जाए तो बहुत हल्की हल्की रस्टिंग है इस पर, वो भी रस्टिंग है इनके जो ये लॉक्स होते हैं ना इसके ऊपर, वो भी बहुत ही हल्की हल्की, और जितनी भी इसके ऊपर ग्रीसिंग लगी आई थी कंपनी के थ्रू वो सारी हट चुकी है। अभी फिलहाल मैंने बाइक को कर लिया है बिल्कुल न्यूट्रल, और सबसे पहले हम लोग यूज़ करने वाले हैं मोटूल का C1 जो कि हमारा चेन क्लीन। तो पहले इसके ऊपर क्लीन करेंगे। क्लीन करने के लिए अभी हम लोग इस पर इसको मतलब फर्स्ट गियर में डाल के हम लोग छोड़ देंगे, ये चलती रहेगी, और इसके ऊपर हम अंदर की साइड से बाहर की साइड से दोनों तरफ से स्प्रे को बिल्कुल ढंग से लगा देंगे। फिर हमारे पास ये ब्रश है, ब्रश के थ्रू हम लोग इसके ऊपर जितनी भी गंदगी है उसको ढंग से बिल्कुल साफ तरीके से हटा देंगे। तो चलो सबसे पहले इसको मैं कर लेता हूँ स्टार्ट और इसको डाल देता हूँ फर्स्ट गियर में। तो इसे मैंने लगा दिया है फर्स्ट गियर में, तो लगाते हैं अब इसमें हम लोग चेन क्लीन। साइड से लगा चुका हूँ, मैं इसे लगाऊंगा अंदर की साइड से, और इसे अंदर की तरफ से भी लगा देते हैं। उंगली को बहुत बचा के लगाना, अदरवाइज उंगली कटने के चांसेस रहेंगे। अब हम इसको लगा देते हैं थोड़ा साइड में। तो चेन क्लीन लग चुकी है, और देखो अभी से ही इसमें गंदगी थोड़ी थोड़ी नीचे आने लगी है, बट इसको हम थोड़ी देर इस तरीके से चलने देंगे और जितनी भी गंदगी है ना अपने आप ही निकल निकल के गिरने लग जाएगी। लास्ट में हमारे पास ब्रश है ही इसे साफ करने के लिए, बट कुछ देर हम लोग इसे इस तरीके से लगे रहने देंगे और चलते रहने देते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा गंदगी नीचे आ चुकी है, अब हम लोग इसके ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। सब चीज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ब्रश तो हम लोग करेंगे सफाई कुछ इस तरीके से। सिंगल हैंडेड इसे करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इसमें उंगली कटने तक का डर रहता है, बट इसे हम लोग दोनों साइड से करेंगे, इधर से भी, और देखो ये डर रहता है, बट ये हमारा इसमें लॉकिंग सिस्टम है तो वापस इसके अंदर लॉक हो जाएगा। बट अभी मैं फ़ोन को पकड़ा देता हूँ अपने फ्रेंड को, और उसके बाद इसे ढंग से क्लीन करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि हाथ पे भी देख सकते हो थोड़ी बहुत गंदगी आ गई है। अब एक बार इसको हम थोड़े से इंजन को रैप करेंगे, जिसकी वजह से जितनी भी गंदगी है ना चेन पे लगी हुई है सारी की सारी नीचे आ जाएगी, और एक बार फिर से हम लोग इसके ऊपर अब चेन क्लीन लगाने वाले हैं। हम लोग डालने वाला सेकंड कोट हमारे चेन क्लीन का। और जैसा कि आप लोग देखते हो सेकंड कोट लगते के साथ ही कितनी ज्यादा गंदगी नीचे आने लगी है। बस एक बार आप रेफ करेंगे और फिर देखो नीचे कितनी गंदगी मिलती है आपको। तो अब हम लोग चेन क्लीन कर चुके हैं, अब इसमें हम करेंगे लूप जो कि हमारा C2 स्प्रे C1 है हमारे पास में। ये रहा हमारा C2 स्प्रे जो कि है चेन लूप। तो अब इसके ऊपर हम लोग अब लूप लगाने वाले हैं, जिसकी वजह से हमारा जो चेन का लुब्रिकेशन है वो अच्छा हो जाएगा। फिलहाल गंदगी देख सकते हो सारी कितनी गंदगी इसके से निकल चुकी है, और चेन देखो अब कितनी क्लीन हो चुकी है। तो अब हम इसके ऊपर लूप अप्लाई करेंगे, वही फर्स्ट गियर स्टार्ट चलने देंगे, उसके बाद लूप का दो कोट इसके ऊपर हम लगा देंगे। तो अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करने वाला हूँ चेन लूप मोटूल का C2। चलो पर हम लोग चेन लूप लगाते हैं। चेन लूप भी हमें सेम तरीके से लगानी है, पहले आउटर साइड में फिर इनर साइड में। तो पहले हम लोग इसे आउटर साइड में लगा देते हैं। अभी से हम लोग लगा देते हैं इनर साइड। ब्रेक लगेंगे नहीं, स्लिप हो जाएगी बाइक, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। थोड़ा सा हम बाहर के साइड भी लगा देते हैं चेन लूप को। फाइनली हमारी जो बाइक है ये अब क्लीन भी हो चुकी है और लूप भी हो चुकी है। अभी से हम लोग कुछ देर के लिए छोड़ देंगे ताकि जो इसका लूप है वो अच्छे से चेन के अंदर बैठ जाए।
तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरा, मुझे कुछ टॉपिक्स ऐसे बताते रहना जिनके ऊपर मैं वीडियोस बनाता रहूं, इस बाइक से रिलेटेड या जो भी आपको वीडियोस चाहिए, बस मुझे बताते रहना, मैं वैसे वीडियोस बना बना के आपको देता रहूंगा।